स्टूडेंट्स होप यू आर ऑल राइट. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन. टुडे वी आर डूइंग ब्लॉक 7 टेक्स्ट टू वर्ड कनेक्शन एंड लेसन प्लान 1 आइडेंटिफाइंग ट्रेट्स ऑफ अ कैरेक्टर. सो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द ट्रेट्स ऑफ द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी. सो आप स्टोरी में मेन कैरेक्टर की ट्रेट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे. नाउ लिसन टू फॉलोइंग सेंटेंसेस वेरी केयरफुली एंड टेल द ट्रेट्स ऑफ द पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट. अब जो सेंटेंस मैं बोलने वाली हूँ आपको उसे ध्यान से सुनना है और फिर आपको बताना है कि क्या क्वालिटी है पर्सन की. Ram loves to talk so much that he cannot stop even when he is eating. Shilpa loved climbing mountains. She was never afraid of the height. Ram को बातें करना बहुत पसंद है, चाहे वो कुछ खा रहा हो अपने आप को रोक नहीं पाता बात करने से. और शिल्पा को जो माउंटेन पे क्लाइंब करना बहुत अच्छा लगता था और कभी उसे हाइट का डर नहीं लगता. सो वी कैन सी दैट राम इज़ वेरी टॉकेटिव एंड शिल्पा इज़ वेरी एडवेंचरस. सो टुडे वी विल बी आइडेंटिफाइंग द ट्रेट्स ऑफ अ करेक्टर इन अ स्टोरी. वी विल बी रीडिंग द स्टोरी ठाकुर्स वेल एट पेज नंबर 48. सो लेट स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. एज जोखू रेज्ड अ ग्लास ऑफ वाटर टू हिज लिप्स ही वॉज overcome by an overpowering stench. Stench means bad smell. What's wrong with this water? He asked his wife Gangi. It smells terrible. I can't drink it even though I'm dying of thirst. जोखू ने जैसे ही पानी का ग्लास पीने के लिए उठाया उसे बोला बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है इसमें, अगर मैं मर भी जाऊँ तो इतना मैं ऐसा पानी नहीं पी सकता हूँ. Gangi fetched the water from the well every evening. Since it was quite far away, she had to make several trips each day. There had been no trace of any smell when she had filled the water yesterday. How could it smell so bad today? She put the tumbler to her nose. Yes, indeed, it stank. And some animals had probably fallen into the well and was beginning to rot by now. सो गंगी जो है पानी हमेशा रोज़ वेल से कुएं से लेके आती थी और जब वो भर रही थी तो इसमें कोई स्मेल नहीं थी, लेकिन अब उसने जैसे स्मेल करके देखा तो इसमें बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी और शायद कोई एनिमल इसमें गिर गया है और ये पानी सड़ गया है, रॉट हो गया है अभी तक. शी रेक्ड हर ब्रेन्स थिंकिंग ऑफ व्हाट एल्स शी कुड ड्रॉ वाटर फ्रॉम. सो देयर वॉज द ठाकुर्स वेल. ऑफ कोर्स बीइंग ऑफ हाई कास्ट he would never allow an untouchable like her to draw water from his well. The merchant's wife was at the far end of the village. Note that anybody was likely to let her draw water from there either. There were no other wells in the village. अब गंगी जो वाइफ है जोखू की वो सोच रही है वो पानी और कहाँ से ला सकती है, और जो ठाकुर का जो कुआ है वो वहाँ से उसे अलाउ नहीं करेगा पानी लाने के लिए, क्योंकि जो गंगी है वो लोअर कास्ट है. स्टोरी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया गया है और जो मर्चेंट का वेल है बहुत दूर है तो कोई भी उसे वहाँ से पानी नहीं लाने देगा. जोखू हैड बीन इल फॉर सेवरल डेज. ही कंट्रोल्ड द थर्स्ट फॉर एज लॉन्ग एज ही कुड, बट नाउ ही कुड बियर इट नो लॉन्गर. He turned towards his wife. I can't bear it any longer. Give me that water. I will hold my nose and drink it. जो गंगी के हस्बैंड जो जोखू हैं बहुत बीमार हैं, वो कह रहे हैं कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे वही पानी दे दो और मैं उसे पी लूँगा नाक बंद करके. गंगी रिफ्यूज़ टू गिव हिम द स्टिंकिंग वाटर. शी न्यू दैट द इलनेस वुड बिकम वर्स इफ ही ड्रिंक दैट वाटर. वट शी डिडंट नो वॉज दैट द बैड वाटर कुड बी बॉइल्ड एंड मेड सेफ. हाउ कैन you possibly drink that water? Who knows that what kind of animal has died in it? Let me get you some clean water. गंगी ने मना कर दिया उसे वो स्टिंकिंग वाटर बदबू वाला पानी देने से. उसे पता था कि वो और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अगर इसको बॉयल कर लें तो ये पानी जो है सेफ हो जाएगा. उसने बोला मैं तुम्हारे लिए कहीं और से पानी ला देती हूँ, दूसरा क्लीन वाटर. जोखू लुक्ड एट हर डाउटफुली. वेयर एल्स कैन यू गेट वाटर फ्रॉम. अभी तुम्हें और कहाँ से पानी मिल जाएगा? Well, the Thakur and the merchant both have wells. Won't they let me draw even a tumbler of water from there? तो जो ठाकुर है और जो merchant है दोनों के पास well है, क्या वो मुझे थोड़ा सा भी पानी नहीं लेने देंगे? Tumbler means glass. Don't bother. You will just end up with a couple of broken bones. The Brahmins will send you away with a curse. The Thakur will beat you up and the merchant will charge you a fivefold interest on everything that gives you. Who has any sympathy for the poor? For all they care, we would drop dead tomorrow and then would not peep inside a house, let alone extend a helping hand.
आर सच पीपल लाइकली टू लेट यू ड्रॉ वाटर फ्रॉम देयर वेल। तो अब चोखू कह रहा है अपनी वाइफ से कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी हड्डियाँ टूट जाएंगी और मर्चेंट तुम पे जो है इंटरेस्ट लगा देगा, ब्याज लगा देगा, हम जैसे गरीब लोगों पे कोई दया नहीं करता। जोखूज वर्ड्स कंटेन द बिटर ट्रूथ। गंगी कुड नॉट डिनाई दैट, स्टिल शी रिफ्यूज टू गिव हिम द रीकिंग वाटर टू ड्रिंक। गंगी ने सोचा कि जो जोखू के वर्ड्स हैं उनमें सच्चाई है, और गंगी उसे मना नहीं कर पाई, लेकिन उसने उसे स्टिंकिंग वाटर देने से मना कर दिया। इट वॉज 9 o'clock एट नाइट, द वेरी फार्म लेबरर्स एंड लॉन्ग सिंस फॉलन अस्लीप, हाफ अ डजन और सो आइडलर्स हैड गैदर्ड एट द ठाकुर्स डोरवे। द टॉक सेंटर्ड ऑन द मेमोरेबल ओकेजन्स व्हेन द ठाकुर हैड क्लेवरली ब्राइब्ड द पुलिस इंस्पेक्टर एंड गॉट ऑफ स्कॉट फ्री, एंड दैट अदर केस व्हेन ही हैड शोन सच फोरसाइट इन ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ अ लॉ सूट। द क्लर्क्स एंड द मैजिस्ट्रेट्स वर श्योर दैट इट वॉज सिंपली इम्पॉसिबल टू गेट अ कॉपी। द स्टेक्स हैड बीन हाई, सम आस्क्ड फॉर 50 rupees, अदर्स 100, वेयर एज द ठाकुर हैड समहाउ ऑब्टेंड अ कॉपी विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल कॉफरी। आफ्टर ऑल वन नीड्स अ फ्लेयर फॉर सच थिंग्स। सो कॉफरी मीन्स अ स्मॉल डिमोनेशन ऑफ मनी। सो 9 बज गए थे, सब लोग सो गए थे यहाँ पे, वहाँ पर किसी टॉपिक को लेके बातें चल रही थी और कुछ लोग वहाँ बैठ के बातें कर रहे थे। व्हेन गंगी रीच द वेल, द मैन वर स्टिल ब्रेगिंग अबाउट द ठाकुर्स पास्ट मिसडीड्स। द डिम लाइट of a small oil lamp fell over the well. She crouched in the shadows, waiting for the right moment to dart up to the well. There were no restrictions on anybody for drawing water from this well except for a few unlucky people like her. गंगी जब वहाँ वेल पे कुएं पे पहुँची तो मैन जो है ठाकुर के जो गलत कामों के बारे में बातें कर रहे थे और वहाँ पे थोड़ी सी रोशनी लैंप की दिखाई दे रही थी, वो धीरे धीरे बच निकलने की वहाँ से कोशिश कर रही थी। वहाँ से सबको पानी लाने की परमिशन थे, सिर्फ गंगी को छोड़ के जो अनटचेबल लोग होते हैं, जो लोअर कास्ट लोग होते हैं, उनको वहाँ जाने की परमिशन नहीं थी। गंगी इज़ हर्ट रिबेल्ड अगेंस्ट दीज मैन मेड कन्वेंशंस। हाउ वॉज शी इन्फीरियर एंड दीज गफलाइंग मैन सुपीरियर? व्हाट सेट देम अपार्ट? द स्केयर्ड थ्रेट that the thakur were around their neck, thugs and bullies, that's what they were, every single one of them. They stole, cheated and made false cases. गंगी का दिल जो है बैठ गया, वो सोच रही है कि लोगों ने कैसी धारणाएं बना रखी हैं कि वो उनसे कैसे अलग है, ये तो गलत काम करते हैं और फिर भी ये सब अच्छे धोखेबाज हैं। Why it was only the other day the thakur had stolen a poor shepherd's sheep, killed it and feasted on it. And that Mandit, his house was no better than a gambling den. The merchant sold ghee mixed with oil. They all knew how to get people to work for them without paying a paisa in wages. ठाकुर ने जो है एक शेपर्ड का जो शिप चुरा लिया था और उसे मार कर उसे खा लिया था। पंडित जो है वहाँ पे जुआ खेलते थे लोग पंडित के घर में। मर्चेंट जो है घी में तेल मिक्स करके देता था। इन लोगों को पता था दूसरों से कैसे काम कराना है, बहुत ही बुरे काम ये लोग करते थे, फिर भी इन्हें हाइका समझा जाता था। सो व्हाट मेक्स देम बेटर देन अस, थॉट गंगी। नियर वर्ड्स डोंट मेक देम सुपीरियर। वी डोंट गो अराउंड प्रेजिंग आर सेल्व इन द स्ट्रीट्स। दे लियर एट अस एंड प्राइड देम सेल्व ऑन बींग द हायर कास्ट। सो लियर मीन्स सजेस्टिव लोग, गिव शाय। सो ऐसा क्या है, खाली शब्दों से ही वो हमसे बेटर थोड़े ना हो गए, और वो हम अपनी तारीफ़ करते नहीं घूमते हैं गलियों में, और वो हमें से शक भरी नगाहों से देखते हैं। सडनली गंगी हर्ड ऑफ साउंड ऑफ अप्रोचिंग फुटस्टेप्स। हर हर्ट बिगेन टू थर्ड विद फ्राइट। इफ शी वॉज स्पॉटेड ही देयर शी वुड बी बिटन एंड किक। शी पिक्ड अप हर पॉट एंड ड्रॉप एंड क्राउचिंग लो इन द डार्कनेस वेंट टू स्टैंड इन द शेडो ऑफ अ लार्ज ट्री। देन मैन नेवर शॉड एनी पिटी। They had beaten a poor mangu so heartlessly that he sweat blood for months. His crime was that he had refused to be forced into working as a laborer. गंगी ने किसी के आने की आवाज़ सुनी कदमों की और उसे बहुत डर लगा। वो नीचे बैठ गई क्योंकि उसे पता था ये मैन कोई दया नहीं करने वाले। उन्होंने मंगू को भी बहुत बुरे तरीके से मारा था और उसे जो है ब्लड आने लगा था उसके गले से, और क्योंकि उसने उनके लिए काम करने से मना कर दिया था। इन मीन वाइल टू वुमेन हैड कम अप टू द वेल। दे टॉक्ड एज दे ड्रू वाटर। तो उसी टाइम जो है दो लेडीज़ भी वहाँ पे आई दूसरी, और वो बातें करने लगी जब पानी ड्रॉ कर रही थी। दे सिट डाउन टू डिनर एंड ऑर्डर टू अस टू फिच फ्रेश वाटर। दे डोंट गिवन इनफ मनी टू बाय अ वाटर जग। ग्रम्बर द फर्स्ट वूमेन, फर्स्ट वूमेन बोलने लगी कि वो तो खाना खाने बैठ जाते हैं, हमें पानी लाने के लिए कहते हैं और हमें पैसे भी नहीं देते कि हम जग भी खरीद सकें। आई थिंक मैन गेट
इरिटेटेड इफ दे सी अस सिटिंग आइडल एट द सेकेंड सेकेंड मैन बोली कि जो अगर उन्होंने देख लिया तो ये इरिटेट हो जाएंगे. यस दे वुड नेवर थिंक ऑफ पिकिंग अप द बकेट एंड ड्रॉइंग वाटर देमसेल्व्स, कि वो कभी बाल्टी भी नहीं उठाना चाहते हैं. एंड दे ऑर्डर अस टू फेच फ्रेश वाटर एंड एक्सेप्ट अस टू जम्प टू देयर बिडिंग एज तो वी वर स्लेव्स, और वो बस हमें ऑर्डर दे देते हैं कि बस हमें जो उन्होंने कह दिया करना पड़ेगा. बिडिंग मीन्स कमांड, जैसे कि हम उनके स्लेव हैं. यू आर अ स्लेव, यू आर फेड एंड क्लॉथेड एंड यू मैनेज टू सेव जस्ट अ हैंडफुल ऑफ रुपी फ्रॉम योर मास्टर. वट आर यू देन इफ नॉट अ स्लेव गर्ल, लव द अदर. अब दूसरी जो लेडी थी वहाँ पर बोली यस आप स्लेव ही हो, क्योंकि वो तुम्हें कपड़े पहनाते हैं, तुम्हें खाने के लिए देते हैं, थोड़े से पैसे बचा पाती हो. स्लेव नहीं हो तो क्या हो. स्टॉप प्लीजिंग मी सिस्टर, आई डोंट गेट अ मोमेंट्स रेस्पाइट. एंड रेस्पाइट मीन्स हियर रिलीफ, कि उसने बोला मुझे चिढ़ाना बंद करो, मुझे थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं मिलता है. इफ़ आई वर्क लाइक दिस एनीवेयर एल्स आई वुड प्रोबेबली हैव लेड अ मोर कंफर्टेबल लाइफ एंड गॉट ग्रेटिट्यूड फ्रॉम द अदर पर्सन टू. हियर आई कैन किल माई सेल्फ लाइक अ स्लेव एंड नो वन वुड गिव अ डैम. सो अगर मैं कहीं और काम करती तो मुझे कुछ क्रेडिट मिलता, लेकिन यहाँ कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला है. द टू वुमेन फिर देयर पोर्ट्स एंड वेंट अवे, वो दोनों पानी के कुएं से चली गई. गंगी स्नीक्ड आउट फ्रॉम द शेडोज एंड स्टार्टेड ईचिंग हर वे टूवर्ड्स द वेल. द आइडलर सीम टू हैव लेफ्ट एंड द ठाकुर टू हैड वाटर्ड द स्टोर. गंगी ड्रू अ ब्रीथ ऑफ रिलीफ, एट लास्ट द कस्ट वॉज क्लियर. एज गंगी क्रैप्ड क्लोजर टू द वेल शी बिगिन टू एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ इमिनेंट विक्ट्री. गंगी को लगा कि सब जा चुके हैं, ठाकुर भी शायद सो गया है, गेट बंद कर लिया है. अब उसे थोड़ा रिलीफ मिला कि मैं पानी भर सकती हूँ. शी फास्टन्ड द रोप अराउंड द माउथ ऑफ द पॉट. शी क्विकली लुक्ड इट ऑल अराउंड लाइक अ सोल्जर वेटिंग टू स्केल टू द एनिमीज फॉर्टनेस. अंडर क्लॉक ऑफ डार्कनेस शी न्यू इफ शी वॉज कॉट शी कुडंट एक्सपेक्ट एन आइटा ऑफ पिटी. द पोर्ट वॉबल्ड अ बिट एंड देन वेंट अंडर विदाउट मेकिंग अ साउंड. अ कपल ऑफ अर्जेंट पोल्स एंड इट रीच्ड द माउथ ऑफ द वेल. द स्ट्रोंगेस्ट मैन इन द विलेज कुडंट हैव पुल्ड द पोर्ट अप एनी फास्टर. मतलब कोई स्ट्रोंग मैन भी इतनी फास्ट पोर्ट को पुल नहीं कर सकता था उसने जितनी फास्टली पुल किया पोर्ट को वेल में से. एज गंगी वेंट टू फ्री द पोर्ट फ्रॉम द रोप द ठाकुर स्टोर सडनली बर्स्ट ओपन. जैसे ही वो झुकी पोर्ट को रस्सी से अलग करने के लिए, वो उसका गेट खुला ठाकुर का. एट दैट इंस्टेंट द वाइड ओपन माउथ ऑफ अ लायन वुड हैव सीम्ड लेस फियरसम टू गंगी. वो इतना डर गई जैसे कि किसी शेर का भी नहीं डरती वो शेर से भी. द रॉप स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड एंड द पॉट स्लिड बैक इनटू द वाटर विद अ लाउड स्प्लैश. एंड द साउंड ऑफ द वाटर लैपिंग अगेंस्ट द पॉट कुड बी हर्ड डिस्टिंक्टली. और उसके हाथ से रस्सी भी गिर गई, पॉट भी गिर गया पानी में. द ठाकुर रैन टुवर्ड्स द वेल शाउटिंग हु इज इट हु इज देयर. गंगी टर्नड एंड रैन फॉर हर लाइफ. और ठाकुर चिल्लाया वहाँ से कि कौन है कौन है वहाँ. अब गंगी ने जान बचा के वहाँ से भाग पड़ी. शी रीच्ड होम टू सी जोकू रेजिंग द ग्लास ऑफ फुल वाटर टू हिज माउथ. उसने देखा घर जाके कि वो गंदा पानी पी रहे थे. So the thoughts of Gangi are, how could it smell so bad today? Some animals had probably fallen into the well and was beginning to rot by now. She racked her brains for the places she could draw water from. So being a high caste, the Thakur would never allow an untouchable like her to draw water from his well. Let me get you some clean water. These lines tells us that Gangi is resourceful. Resourceful means ki wo manage kar leti hai sabhi cheezon ko and takes care of her husband. She is also aware of her position in the society. The actions of Gangi are, she wastes water from well every evening. So she refused to give him stinking water. These lines tell us that Gangi is hardworking and wants to find a solution to her problem. We can identify the traits of a character in the story by reading his or her thoughts and paying attention to the actions carefully. हम किसी भी person के trait कैसे पता लगा सकते हैं कि उसके actions क्या हैं, उस person ने किया क्या है, उसके thoughts क्या हैं. The actions tell us about his or her qualities. For example, Gangi fetched water from the well every day tells us that although she is poor, she is hardworking. The thoughts and the character tell us that his her perspective on the surroundings and other characters in the story. Gangi thinks that no one will allow her to draw water from the well because she is an untouchable. This tells that she is aware of the views of the others character in the village. किससे पता चलता है कि उसे दूसरे लोगों के perspective के बारे में भी पता है कि society किस तरह की thinking रखती है. So do you think people should be treated in the way Gangi is in the story? क्या आपको लगता है कि लोगों को ऐसे ट्रीट किया जाना चाहिए जैसे गंगी के साथ किया गया है? No one deserves to be treated the way Gangi is in the story. She has to undertake the risk of being bitten
to death so that she can get clean water for her sick husband. She is as human as the thakur or the merchant, or all people in the society should be treated equally. So किसी कोई भी डिजर्व नहीं करता कि कोई किसी को अनटचेबल माना जाए. सभी लोग बराबर हैं, सभी की सोसाइटी को ज़रूरत है. और वो ने हस्बैंड के लिए, बीमार हस्बैंड के लिए पानी लाने के लिए अपनी लाइफ का रिस्क लेती है. सो ये बहुत ही गलत बात है. इस तरह से किसी को ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए. Now let's do your worksheet at page number 33, identifying traits of a character S1. So there was this little boy near the temple who always wore a white t-shirt with black pants and a small pendant around his neck. He sat outside with a basket of fresh floral garlands. Be it at 6 in the morning or 9 at night, the boy would endlessly request all those who visited the temple to buy a garland. However, very few people ever did. He would follow people to their car, asking them to buy at least one, but he was either ignored or pushed away rudely. At times he returned home without having sold a single garland. Life for him was not just tough, it was cruel. He was satisfied as long as he could sell a few garlands every day, but even that was difficult. Other men and women too sold flowers, but none of them tried as hard as he did. After a few months, the boy was seated exactly as before, but strangely he made no attempt to sell his garlands. He didn't make an effort to even move. He just sat there with a faraway look in his eyes. So, मंदिर के पास एक बॉय रहता था छोटा, वाइट टी शर्ट पहने हुए होता था और ब्लैक पैंट, और एक उसके गले में स्मॉल पेंडेंट था, और वो एक फूलों की टोकरी लेके बैठा होता था. चाहे सुबह के 6 बजे हो चाहे रात के 9 बजे हो, वो लोगों से रिक्वेस्ट करता था, लोगों की गाड़ियों के पास जाता था कि कोई फूल खरीद ले, कोई गार्लैंड खरीद ले. और तो लोग उसे इग्नोर करते थे. हम भी कहीं जाते हैं तो गाड़ी के बाहर लोग आते हैं कि ये कुछ खिलौने बेच रहे होते हैं, कुछ ले लीजिए. तो हम भी इग्नोर करते हैं कई बार, कई बार ज़रूरत होती है तो ले भी लेते हैं. सो लाइफ उसके लिए बहुत टफ ही नहीं थी, क्रूअल थी. और वो सेटिस्फाई था अगर उसके जो गार्डन्स बिक जाते थे, सेल हो जाते थे. लेकिन जो दूसरे लोग भी वहाँ पे फूल वगैरह बेचते थे, लेकिन कोई इतनी मेहनत नहीं करता था जितने वो बॉय करता था. अब कुछ दिनों बाद उसने क्या किया, वो वहाँ पे सिर्फ बैठा रहता था, कोई कोशिश नहीं करता था बेचने की. हु इज़ द मेन करेक्टर इन द स्टोरी, व्हाट आर सम ऑफ हिज एक्शंस इन द स्टोरी? द मेन करेक्टर इज द स्टोरी इन अ बॉय who sells flowers garlands near the temple. He works for long hours, 6 in the morning, 9 at night, tries his best to sell flowers and requests people to buy garlands, and follows people to their cars and requests them to buy at least one garland. Later, he no longer runs behind people to sell his flowers, but sits with a faraway look in his eyes. Now, question second, write any traits you see in the main character. Give evidence from the story to support why you choose this trait. So, आपको एक क्वालिटी बतानी है यहाँ पे बॉय की. The boy is a hardworking and enthusiastic garland seller. He works very long hours from 6 in the morning to 9 at night. Though it was difficult to sell even a single garland on some days, he does not give up. He tries his best and even follows people to their cars, requesting them to buy at least one garland. Now, question 3. Write a few sentences about the main character in your story. So, his favorite shirt is white and black. He likes to sell flower garlands and he is very hardworking.